हेलो डियर स्टूडेंट्स, रट्टू तोता की ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं पहले इस एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस ये याद रखना कि वक्त सबका आता है और इसी वक्त के लिए आपको बहुत ही शिद्दत से मेहनत करनी है कि वो वक्त आपके पास जल्दी से जल्दी आए। तो आज की हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मन में, अगर हम लोग कहें स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि अब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, अब क्या करें। तो देखो, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन तो रहता है कि हम लोग हायर स्टडी की तरफ को जाएं, और एक हमारे पास रहता है कि हम लोग जॉब कर लें। दो तरीके के ऑप्शंस बेसिकली क्रिएट होते हैं जब हम लोग डिप्लोमा को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, अगर आप लोग हायर स्टडी की तरफ जाएंगे तो उसमें है कि आप लोग बीटेक करेंगे। ठीक, अब देखो, बीटेक करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप पहले ही सोचेंगे कि आप बीटेक करें या जॉब के लिए जाएं। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपने पहले ही सही ट्रैक पकड़ लेना है। अगर आप डिसीज़न लेने से पहले 10 बार सोचना चाहते हैं तो आराम से सोचें, 10 नहीं 100 बार सोचना चाहते हैं 100 बार आराम से सोचें। लेकिन जब आप लोगों ने डिसीज़न ले लिया, देन उसके बाद आपने फिर उस डिसीज़न में आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, या आपने कोई भी चीज़ आधे में ही ख़त्म नहीं करनी है, उसको पूरा ही पूरा आपने रिजल्ट तक लेकर जाना है। बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, तो आप चाहे 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो, कितनी बार भी आप सोचो, लेकिन जो सोच लिया फिर उसके बाद आपने रिग्रेट नहीं करना है कि हमने ऐसा क्यों किया, राइट? तो देखो, अगर हम हायर स्टडी की बात करते हैं और हायर स्टडी में अगर हम लोग कहें तो बीटेक आप लोग करेंगे, तो देखो बीटेक करने के लिए पहले हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने सोचने होते हैं। सबसे बड़ा जो है वो ये है कि आपके पास टाइम और फाइनेंशियल कोई भी इशू आपका नहीं होना चाहिए। मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, पैसों की भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो फिर क्या रहेगा कि आपको बीटेक में अगर आप एडमिशन कर भी लोगे, अपनी जिद से एडमिशन कर भी लोगे, तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप बीटेक के सेकेंड ईयर में प्रवेश करोगे और वहाँ पे भी 3 साल आपने रहना है। 3 साल में आपको पता है कि आप फीस देख लें, या अगर आप हॉस्टल की बात कर लें, या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों का पैसा खर्च होगा। तो आपने सबसे पहले किसी और को देखकर नहीं चलना है, आपने अपनी स्थिति को देखना है। भाई, मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि हमें किसी दूसरे की लाइफ को देखकर हम अपनी लाइफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, हर किसी की लाइफ अलग है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने यही देखना है कि क्या आपको हायर स्टडी की तरफ जाना चाहिए, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आपके पेरेंट्स आपको इतना समय दे सकते हैं कि आप अभी अच्छे से पढ़ाई करो, अभी नौकरी का कोई इशू नहीं है। इस तरीके से है तो डेफिनेटली आप हायर स्टडी की तरफ जाओ। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि झोपड़ी में रहना सही है, मगर महल के लिए मेहनत ना करें ये तो गलत है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छी चीज़ को करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका कोई इशू इस तरीके से है कि आपको जॉब करना ज़रूरी है, आपने अपनी स्थिति को देखकर चलना है भाई, दूसरे की स्थिति को देखकर कभी नहीं चलना। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी स्थिति को देखें और आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए जॉब ज़रूरी है, तो अगर जॉब ज़रूरी है तो आपको ये पता है कि जॉब दो तरीके की आपको देखने को मिलती है। एक तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब देखने को मिलेगी, एक गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब देखने को मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात कहोगे तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में 10,000 से 15,000 के बीच में सैलरी पैकेज रहता है। क्योंकि देखो, आप एकदम फ्रेशर हो, अभी आपको कोई ऐसा काम नहीं आता, स्टार्टिंग में आपने चीज़ें सीखनी है, देन उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट मिलता है, धीरे धीरे करके आपको सैलरी में भी हाइक देखने को मिलेगा। अब बात है कि अगर आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, अब गवर्नमेंट की तरफ भी वही स्टूडेंट जा पाएंगे जिनके पास भी थोड़ा सा टाइम है और थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू नहीं है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं हम कितने भी अच्छे पढ़ाई में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू रहता ही है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है ओवरऑल कि अगर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पैसों की दिक्कत आती है वहाँ पर थोड़ा सा अपनी फैमिली की स्थिति को देखकर भी आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहीं पर मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट में की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो इसके लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए।
मीन्स कि आपको पता है कि फॉर्म फिलअप करने से लेकर हमारे सिलेक्शन से लेकर हमारी ज्वाइनिंग से लेकर इसी में ही ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 2 साल लग जाता है। और आपको इतना भी पता है कि आप फॉर्म फिल करोगे तुरंत आपकी नौकरी लग जाएगी, तुरंत पेपर क्रैक हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, समय तो लगेगा क्योंकि इसमें भी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फैमिली वाले कह रहे हैं कि आपसे कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, 2-3 साल आप अपनी स्टडी को दे सकते हैं और अच्छे से गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। मीन्स आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हायर स्टडी की तरफ जाओ, बीटेक करने के बाद भी ध्यान रखना कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना ही होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही देना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना आप बीटेक करने में 3 साल वहां पे आप बिताओगे और यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब को 3 साल में आराम से ले सकते हो, तो डेफिनेटली आप फिर ये सोचें, क्योंकि आपने अपना डिसीजन खुद ही लेना है। क्योंकि देखो, बीटेक करके भी आपको फायदे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीटेक कर आप एई के लिए भी एलिजिबल हैं, बीटेक करके प्राइवेट सेक्टर में आपका पैकेज थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अगर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की बात करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अब आगे डिग्री नहीं बढ़ानी है, अब आपने जस्ट गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को इस वीडियो में जरा सा गाइड करना चाह रही हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एकदम से पास आउट होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम आगे क्या करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि 2 चीज़ें आप लोगों के पास है, एक है हायर स्टडी, एक है आपके पास जॉब, जो भी आप लोगों को बेटर अपने लिए लगता है। क्योंकि आपने सारे फैक्टर्स देखने हैं भाई, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ जाओगे, बाद में दिक्कतें आएंगी और बीच में आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और बीच में अगर आपने कोई भी चीज़ छोड़ दी अपनी लाइफ में तो ध्यान रखना कि आगे फिर ऐसा रहेगा कि आपको आगे अगर हम कहें प्रोग्रेस कहें या कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ में जो प्रोग्रेस का ग्राफ होता है वो तभी देखने को मिलता है जब आप उसके पीछे काफ़ी लंबे समय से लगे होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी मेहनत मांगती है, कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है, और अगर ये जब तक नहीं है तब तक किसी भी चीज़ में चाहे आप कुछ भी कर रहे हो उस चीज़ में आपको अच्छा फल देखने को ही नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिस भी काम को आपने करना है उसे इतनी मन लगाकर आपने उसे करना है कि वो सबसे बेस्ट हो, और वो सबसे बेस्ट होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट भी उसका अच्छा ही आएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जस्ट गाइड करना चाह रही थी कि डिप्लोमा के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, वो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में एकदम से क्लियर हो जाए कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो। भाई सब बढ़िया है, बीटेक करोगे वो भी बहुत अच्छा है, प्राइवेट जॉब कर लोगे अर्निंग होने लगेगी, फैमिली को सपोर्ट मिलेगा वो भी अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे कोई नहीं 2-3 साल अच्छे से करोगे तो देन उसके बाद गवर्नमेंट जॉब होगी, पूरी लाइफ की आपकी एक तरीके से सिक्योरिटी है। फायदे सभी में ही हैं, बट आपने अपनी स्थिति को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचें, लेकिन जब ले लिया देन उसके बाद आपने रिग्रेट नहीं करना है। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप रट्टू तोता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को किस तरीके की लग रही है, और आगे के लिए भी आप अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप लोग सजेशंस दे सकते हैं। तो अगली वीडियो का करिएगा इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।